किरसन युद्ध में ना आना और भारी हो जागा मुँह दुबकाना। सुन ले कल किरसन युद्ध में मत आना और भारी हो जाएगा मुँह दुबकाना। क्यों भी समझी खा मट करे खुद पे मत मारे पाड़ के ताना। कल किरसन युद्ध में मत आना भारी हो जाएगा मुँह दुबकाना। और मेरा कमेटी अध्यक्ष परम आदरणीय जलवीर यादव जी, वो भी 500 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और एक घमंडी पिता में भीष्म तुझे तो तू कुल का बड़ा सबको समझाने वाला, तुझे तो अपना परिवार अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए था। बड़े के नाते तुझे भी समझाई रहा हूँ, वरना मैं कहता नहीं कल एकदम से धनुष बता दे। मैं सत्य के साथ हूँ। अरे कृष्ण भगवान साक्षात तेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं अर्जुन का साथ दे रहा हूँ, सच का साथ दे रहा है कृष्ण। चाहे तो किसी का भी साथ दे रहा है, लेकिन कल इस भीष्म से बचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हाँ, कहते अपनी बात को, क्या सुन ले मेरी बात को। कल के युद्ध में इस भीष्म से बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो गाफिल या फिर कल और तू गाफिल हो जाएगा। किरसन नाम देख लेना कायरों में शामिल हो जाएगा। कौन सा छल करने वाले हर पर्वत का दिल हो जाएगा। कौन सा छल करने वाले तू पर्वत का दिल हो जाएगा। दिल हो जाएगा बीत तेरा शाम लगने लगेगी सवेरा। दिल हो जाएगा बीत तेरा शाम लगने लगेगी सवेरा। मेरा पार किसी को ना पाया, मेरा पार किसी को ना पाया, यू जाने है सारा जमाना। बोले किरसन युद्ध में परवाह नहीं है कल की। अगर परवाह होती तो ये युद्ध ही ना होता। अच्छा, हमें कल की परवाह नहीं है। अगर तुम झूठ का साथ दे रहे तो हम भी सत्य के साथ में खड़े हुए। हम झूठ का साथ दे रहे हैं, कौन कह रहा तुमसे? दुर्योधन के साथ में हो तुम। फिर भीष्म किसी के साथ में नहीं है। अरे तुम्हें परी पंचायत में तुम्हारी पोत बहू का नंगा नाच देखने के लिए तुम्हारा गर्दन
झुकी हुई थी उस टाइम, उठी नहीं तुम्हारी गर्दन। ये पांडवों को देखना चाहिए था। अच्छा हाँ, अब भी पांडवों की गलती। बिल्कुल, जुआ खेलना अच्छा थोड़ी होता है। अरे जुआ भी आपकी पंचायत में खेला गया, आपकी भरी सभा के बीच में, आपकी पोत बहू का इतिहास गवाह है। जिसने जुआ खेला है उनका नाश हुआ। अरे निरादर करने वाले भी तुम ही हो। अच्छा हाँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। काली जैकेट पहन के, हाँ लाल वस्त्र पहन के, बिल्कुल आपको घमंडी मान रहे हो। भगवान का भजन करता हूँ इसलिए भगवा वस्त्र लेने पड़ते है। तो अपनी बात, वैसे तो ब्रह्मचारी उस श्वेत वस्त्र पहनता हूँ मैं नीचे। हाँ, छल्ला गिरवा फिर रहे हो। यो ही जमाना देखेगा जब धरती अंबर हालेंगे। कल की परवाह, कल की परवाह, कल की परवाह कौन करे, हम कल ही देखे बाड़ेंगे। सौगंद गुरु की बाण शीस लाखों के काटिए डालेंगे। जो हिम्मत भारे में होगी अपने आप बचा लेंगे। जो हिम्मत भारे में होगी अपने आप बचा लेंगे। डालेंगे खून अपने सपने में, वो नहा लेंगे खून अपने में, दिखेगी मौत सपने में। मेरे बारे में भी तुझे पता होगा। बिल्कुल पता। मैं कौन हूँ? बिल्कुल जानता हूँ कौन हूँ मैं। कृष्ण जी है तू, और कौन है? अरे सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण भगवान तुझे समझा रहे भीष्म जी। अब भी मान जा, भी सुलह कर ले, अपने परिवार को अपनी मुट्ठी में बांध ले। देख जो सुलह होना था नहीं होना था, ये तो बहुत पहले हो चुका है। अच्छा, अब जब युद्ध चल रहा है रण क्षेत्र में, सूरवीर आमने सामने टकरा रहे हैं, और कल जब भीष्म की प्रतंजा पर जब भीष्म धनुष और बाणों को उठाते हैं, धरती और पाताल हाल उठते हैं, तीनों लोग दहल उठते हैं। अच्छा, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान इस भीष्म को है। पहली बार भी बह खाता है इस भीष्म से। पहली बात तो ये तीनों लोग मेरे हैं, तुझे कोई बह नहीं मानता तुझसे। अच्छा हाँ, तुझे अपनी इच्छा मृत्यु का जो तुझे वरदान है ना, तेरे लोग है, है, लेकिन वो दहल जा मेरे। कुछ ना दहलता तुझ। अच्छा हाँ, पता लग जाएगा। ये काली कंजरी आंख, हाँ बड़ी सुंदर लगती है तेरी। हाँ सुंदर तो लगती है, लेकिन बुढ़ापा है तुझे। इन पर काबू कर लिया है मैंने। हाँ, इंद्रियों पर काबू करके जीता है। अरे तुझे इंद्रियों की बात पड़ रही है? हाँ, बड़े बड़े ब्रह्मचारी खत्म हो गए। हाँ, लेकिन वो भीष्म नहीं बने थे। अपनी बात को कह दे जरा, सुन ले मेरी बात को। मैं भी सम हूँ जन्म जति, हे काल मेरे से माने है। तेरी क्या औकात, मने यू सकल जमाना जाने है। तीन लोक तक कांपे उठे जब भी सम बाणे उठाने है। अधर्म की, अधर्म की ओर लड़े भी सम क्यों गहरी मन में ठाने है। अधर्म की ओर लड़े भी सम क्यों गहरी मन में ठाने है। भाड़ में ओम थारे, दिन में दिखला तू सब ने तारे। ओ तारे हैं भाड़ में ओम थारे, दिन में दिखला तू सब ने तारे। I'm
जग युद्ध में न आना। आज समय कैसा है और कल कैसा होगा हम अपने आप देख लें। अच्छा हाँ, लेकिन जो तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है वो प्रतिज्ञा कल इस रणभूमि में टूटेगी तुम्हारी। अगर मुझे सत्य के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ी तो ये सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण प्रतिज्ञा भी तोड़ देगा। ले जी, इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्रों शस्त्र के हाथ नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल, थोड़ी देर में होगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तेरे जैसे अधर्मी, तेरे जैसे हट धर्मी मानस भी युद्ध करेंगे। अभी तक तो सिर्फ ये बात बताई है कि कल भीष्म युद्ध में भयंकर युद्ध करेगा। इतने में यूं कहने लगा कोई बात नहीं, तोड़ दूंगा प्रतिज्ञा। तोड़ दूंगा अगर तो थारे जैसे। ये प्रतिज्ञा वाला तुमने तो बहुतों की प्रतिज्ञा तोड़वाई है। हाँ बिल्कुल तोड़वाई है। हाँ, भीष्म नाम है मेरा। अरे भीष्म मेरी बात को सुन ले, सुना दे। तेरी पोत बहू का नंगा नाच तेरे। अरे इन कंजरी आंखों को शर्म नहीं आई? ओए हो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लेता। पोत बहू का नंगा नाच देखने के लिए तैयार है? पूछ मरोड़ो बैठा हुआ सिंहासन पर। ये तो देख। हाँ, इन बातों को छोड़। क्यों छोड़ूं? रणभूमि में चलने वाले। हाँ, और मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, प्रतिज्ञा तो तेरी टूटेगी। अच्छा। और ऐसी टूटेगी कि भागता फिरेगा जिस रास को पकड़ के रथ पे बैठा रहता है ना। भागता ना फिरूं? भागेगा बिल्कुल ना भागेगा। रास हाथ से छूट जाएगी कल। मेरा जो अर्जुन है। हाँ, तेरे लिए सर सही है, बिल्कुल तैयार कर रखी है उसने। अर्जुन तो मेरा बच्चा है। तेरा बच्चा ही तो मारेगा तुझे। यार क्या बात है। जो प्रतिज्ञा कर राखी वो कल युद्ध में टूटेगी। ये तो भला ये तो वक्त बतावेगा जन किसकी किस्मत टूटेगी। सारी दुनिया देखेगी तेरे रास हाथ से छूटेगी। अरे नर नागर ज्ञानेंद्र सरधना की जोड़ी उरंग लूटेगी। अरे नर नागर ज्ञानेंद्र सरधना की जोड़ी उरंग लूटेगी। हो घूटेगी खून रणभूमि दिखेगी धरण भूमि। सन युद्ध में